में जो देश के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके जो पैसा जमा किया था, वो सहारा सुब्रत राय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सहारा इंडिया के पैसों के बारे में। मतलब दोस्तों, सहारा इंडिया के पैसों को लेकर अभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अलग अलग भाषण को रख रही है, अलग अलग अपनी बातें को भी रख रही है। तो आज की इस वीडियो को कहीं ना कहीं देखते हैं तो आप लोग जैसे शुरू में देख रहे थे कि आप लगता है कि अब पैसा आज अप्रैल महीने में आज ही के दिन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरी सच्चाई के बारे में मालूम चलेगी कि क्या आपका सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, जिन लोगों ने ऑनलाइन भी किए हैं, जो लोग भी ऑफलाइन किए हैं, जिन लोग PIL के लिए दर्ज किए हैं या PIL के लिए दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस वीडियो में 28 मार्च वाला वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं, जाके हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उस पर अपने राज्य में, अपने स्टेट में जाके जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सहारा इंडिया की जितनी भी पूछताछ करने का है वहाँ से भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में ये भी जानेंगे कि सहारा इंडिया का पैसा क्या आपको मिलेगा, सच में क्या आप चुनाव से पहले आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले पहले आपका पैसा भी दे दीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर इस वीडियो को देखते हैं तो क्या सच्चाई पूरी डिटेल में आप लोगों को मालूम भी चल जाएगी और क्या आपको पूरी डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं और राजनीतिक पार्टी आपके लिए क्या बोल रही है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। साथियों, मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी, चुनाव निशान पानी का जहाज एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त जन आंदोलन सहारा न्याय मोर्चा। साथियों, आज देश के हालात जो हैं वो मध्यम वर्गीय गरीबों, किसानों, मजदूरों के विपक्ष में चल रही है। महंगाई अपने चरम पर है। दोस्तों, विषय इस बात से हटकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में जो सहारा सुब्रतो राय हैं, सहारा में जो देश के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके जो पैसा जमा किया था, वो सहारा सुब्रत राय ने कूट रचित तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहा। आखिर जो लोग, देश के गरीब, किसान, मजदूर जो पैसा जमा किए हैं सहारा में, उनका पैसा क्यों नहीं भुगतान हो रहा है? और देश और प्रदेश की सरकारें क्यों सो रही हैं? देश में इस तरह का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, देश के गरीब मजदूर किसान पीड़ित हैं, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा जमा किया था, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के अच्छी शिक्षा दूंगा, वो नहीं हो पा रहा है। सहारा में पैसा जमा करने वालों का पैसा कौन भुगतान कराएगा? कौन इसका जिम्मेदार है? मैं पूछता हूं, मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, गरीबों के साथ खड़ा होने वाला देश का पहला राजनीतिक पार्टी भारतीय अपना समाज पार्टी, जिसका संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संयुक्त जन आंदोलन न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप लोग देश के सभी जनता को इसका सवाल उठाना चाहिए, देश की सरकारों से, देश के उन नेताओं से, पूरे देश में जो विधायक सांसद बने हुए हैं उस क्षेत्र की जनता ने एक एक रुपया इकट्ठा करके जो सहारा में पैसा जमा किया था उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? उस क्षेत्र के विधायक और सांसद क्यों नहीं इस बात का आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? इसलिए नहीं आवाज उठा रहे साथियों, क्योंकि सहारा सुब्रत राय के पैसे से देश की सरकारें चलती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां चलती हैं, ये विधायक, सांसद और मिनिस्टर बनते हैं। सुब्रत राय की कहानी छुपी नहीं हुई है साथियों, कि कभी सपा के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा हुआ करते थे, और आज यह बात बिल्कुल नहीं छुप सकती कि वर्तमान के सरकार वो के साथ वो बिल्कुल खड़े होंगे, नहीं तो पैरोल पर इतने सालों से
देश में छुट्टा घूमने वाला व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़े घोटाले का आरोपी सुब्रत राय आखिर कैसे घूम रहा है, इसका जवाब कौन देगा। अब जैसा दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को जैसे कि राजन सिंह का वीडियो देख रहे थे, कहीं ना कहीं आपके लिए अपने पार्टी के द्वारा भाषण को दे रहे थे, या मतलब दोस्तों बातें आपके लिए कर रहे थे। आप क्या, आपके मन में क्या सवाल उठता है वो नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। क्या आपका पैसा मिल चुका है या आपका पैसा मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या ये जो जितने भी बातें कहे हैं क्या सच कहे हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।